जब 12 में था तब भी हम रो रहे थे, जब 14 में आया तब भी हम रो रहे थे, जब 17 में आया तब भी हम रो रहे थे, और अब ये 24 दिखाकर हमें 20 में आएगा तब भी हम रोते हो जाएगी। इसलिए फिर मार्च से टेलीकॉम सेक्टर वाले शेयरों में तेजी आएगी, ये रूपरेखा अब फिर से बना लेनी चाहिए, एक साइकोलॉजी लग रही। मेरे घर वाले कह रहे ये काम करना पड़ेगा, और रोज रोज कहेंगे तो करना, मुझे करना ही पड़ेगा वो काम, क्योंकि मुझे तो घर पे रहना है, नहीं तो मुझे घर से बाहर निकाल। 4 दिन में इतनी ऊंचाई तक जाकर दिखा सकता है वो, आपको थोड़ी गिरावट करके फिर दोबारा भागने की उम्मीद क्यों नहीं दिखा सकता। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और अब इसके लिए वोडाफोन आइडिया जी जान लगा देगा फंड लाने के लिए, मैं आपको बता दूं। तो फिर और ज्यादा गिरावट, ये अपनी बुद्धि में डाल लो सर, ये होना है, ये चीजें होनी है। कि एक बगुला भगत होता है, वो ना समुंदर किनारे, नदी किनारे, तालाब किनारे चुपचाप बैठ जाता है, बहुत देर तक इंतजार करता है, घंटों घंटों लगातार आपको भागने के नतीजे जो दिखा रहा था, भाई कोई सुनी जा किसी की, भाई यस बैंक लूंगा, भाई यस बैंक, बस बहुत अच्छा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से, और आज बात करेंगे सर यस बैंक की, और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, और बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की। इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, मैं इस तरीके से तेजी के माहौल आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें हम कभी भी सीख नहीं पाएंगे, ये याद रखना, कभी भी ध्यान रखना, हम तेजी में खुशी में कुछ नहीं सीख पाते। हम सीखते कब है, जब हमें दुख होता है, गिरावट होती है, और मार्केट में टेंशन का माहौल होता है, तो उस टाइम हमें खुद को मजबूत करना है। ये जो तेजी है ना, इसकी तेजी की रूपरेखा जब शेयर गिरावट की तरफ होता है तब बना लेनी चाहिए, और इस तेजी में अपने प्रॉफिट का मजा भी हमें लेना चाहिए। जिस तरीके से यस बैंक लगातार आपको भागने के नतीजे जो दिखा रहा था, भाई कोई सुनी जा किसी की, भाई यस बैंक लूंगा, भाई यस बैंक, बस बहुत अच्छा है यस बैंक, ये है। जहां उसने आज गिरावट दिखाई ना, मूड चेंज हो गए, सबके हालात ही चेंज हो गए जी एक दिन में। अब आपने यस बैंक को सिर्फ तेजी के लिए ही खरीदा है, या यस बैंक को सिर्फ इसलिए खरीदा है कि इसके अंदर जो काम हो रहा है यस बैंक को मजबूत करने के लिए हो रहा है। आप मेरी जितनी भी वीडियो यस बैंक में उठाकर देख सकते हो, कोई से भी शेयर में उठाकर देख सकते हो, अंदरूनी काम बताया है, और काम के प्रति ही देखने के नज़रिए मैंने शेयर के अंदर बताए हैं, ये आप उठाकर देख सकते हो। जितनी भी तेजी इसके अंदर आ रही थी, उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी बात है, जिसकी वजह से ये तेजी के संकेत आपको दिखा रहा था, लेकिन मेन जो चीज़ थी वो कार्लियल और एडवांट है, जो इनके अंदर अपना स्टेक लेने जा रहे हैं। आपको ये समझ लेना चाहिए कि रूपरेखा सिर्फ उस वजह से बनाई गई है, लेकिन मैंने आपकी रूपरेखा तब इसके अंदर बनाई थी जिस तरीके से इनके अंदरूनी काम अच्छे हो रहे हैं। प्रॉफिट लाकर शेयर दिखा रहा है, प्रॉफिट लाकर बैंक दिखा रहा है, कासा रेशो इनका अच्छा हो रहा है, लोन ग्रोथ इनकी बढ़ रही है, रूस के साथ ये रुपये में व्यापार कर रहा है, डिजिटल करेंसी के लिए यस बैंक को भी चुना है। तो ये सारी अभिलाषा एक बैंक को अच्छा देखने के नतीजे होते हैं। अब यहाँ पर वो लोग निकल रहे होंगे जिन्होंने ऊपर खरीदा होगा, अब लॉस में निकल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर होल्ड बनता, मैं आपको बता दूँ, जिस तरीके से यस बैंक ने जो 100 शीर्षक यानी 100 टॉप कंपनी होती है, उनकी मार्केट कैप एक रैंकिंग होती है, उसके अंदर यस बैंक ने कल 92 अपना एक स्थान बना लिया था। अब इतनी जल्दी इसने ये स्थान 100 कंपनियों के साथ बना लिया, तो ये अपने को धुलमल होने के लिए नहीं बनाया कि भाई ये लगातार अब आपको नीचे गिरता हो दिखा दे। हो सकता है ये शेयर 20 रुपए तक भी आ जाएगा, हो सकता है 18 रुपए के भी आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर फिर से रफ्तार बननी होनी तय है। जिस तरीके से जो ट्रांसफर किए जाएंगे जैसे फ्लावर को बैड लोन, वो होने वाले हैं, उसकी भी रफ्तार आपको इसके अंदर देखने को मिली होगी। जिस तरीके से जो 2 मेंबर बिठाए जाएंगे, किसके, कार्लियल और एडवांट के 2 मेंबर जो बोर्ड में बिठाने जाएंगे यस बैंक के, उसके लिए भी सब कुछ हो गया, एक एक मेंबर उनका बिठेगा, तो इसकी रूपरेखा मजबूत हो रही है। लेकिन यहाँ पर हमें ये देख लेना चाहिए कि जो इनका लॉकिंग पीरियड जो 2023 मार्च में खुलेगा, उसके बाद होना क्या है। देखो सर, वहाँ पर हम निगेटिव और पॉजिटिव सोच कर चल सकते हैं,
एक तो अगर लॉकिंग पीरियड खुला तो कौन कौन इसके अंदर से निकलेगा, और जो भी निकलेगा फिर वो अपने शेयरों को बेचेगा और शेयर और ज्यादा आएंगे, शेयर प्राइस नीचे आ सकता है सर। और अगर इसके अंदर से फिर बड़े प्लेयर निकले, SBI होगा, कोटक महिंद्रा होगा, इस तरीके के अगर इसके अंदर से निकले तो फिर और ज़्यादा गिरावट। ये अपनी बुद्धि में डाल लो सर, ये होना है, ये चीज़ें होनी है कि कौन कौन इसके अंदर से लॉकिंग पीरियड के लिए निकलेगा। लेकिन जिस तरीके से बैंक अंदरूनी तरफ से मजबूत हो रहा है, ये एक ऐसी अभिलाषा बना रहा है भाई, इसमें 2-3 साल देने पड़ेंगे, और 2-3 साल इसके अंदर देने पड़ेंगे। मॉर्गन स्टेनली ने इसके अंदर एक अंडरवेट की इसकी एक रेटिंग दे दी है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा आशंका लग रही है, लेकिन फिर भी इसकी जो काम काज है वो उनकी स्थिति को अच्छा बता रहे हैं। लेकिन सब एनालाइज अपनी एनालाइज करके एक ऐसी चीज़ आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं जो आपको माननी तो चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी एक ऐसी एनालाइज अपने द्वारा बनानी चाहिए कि इतनी तेजी के साथ जो बैंक यहां पर आया, क्या अब इस बैंक को उस तेजी के हिसाब से हम अच्छा मान रहे थे तो इस गिरावट के हिसाब से इसे बेकार मान ले। तो यानी कि जो शेयर हमें तेजी दिखा रहा है वो अच्छा है, जो शेयर हमें गिरावट दिखा रहा है वो गलत हो गया जी। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, मैंने इसको सेल करने के बाद आज इसके अंदर एंट्री फिर ले ली है। क्यों ले ली है? क्योंकि मैंने इसकी रूपरेखा 2023 मार्च में जिस तरीके से इनका लॉकिंग पीरियड खुलेगा, फिर इनके रिजल्ट आएंगे, उसके अनुसार एक रूपरेखा फिर इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। जो शेयर इतनी तेज़ी के साथ 2 साल रुलाने के बाद आपको 2-4 दिन में इतनी ऊंचाई तक जाकर दिखा सकता है, वो आपको थोड़ी गिरावट करके फिर दोबारा भागने की उम्मीद क्यों नहीं दिखा सकता? तो ये शेयर यहाँ पर मजबूत हो गया है, यानी कि ये शेयर डूबने वाला शेयर नहीं है, क्योंकि इसने एक ऐसी चीज़ प्रस्तुत कर दी है जो बाहर के निवेशक इसके अंदर अपनी एंट्री कर रहे हैं। दो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ इसके अंदर से जो दूसरे निवेशक हैं निकलेंगे भी, ये ध्यान रखना, जरूर निकलेंगे, कोई ना कोई जरूर निकलेगा, ऐसी न्यूज़ ज़रूर आएगी, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना है सर। ये शेयर मार्केट है, इसके अंदर ये नहीं देखना कि तेज़ी आ रही तो अच्छा है जी, गिरावट आ रही तो बेकार है। तो जो दो लोग इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव संकेत है, ये बैंक को मजबूत कर रहा है सर। बैंक को अलग तरीके से अब यस बैंक को देखना पड़ेगा, पहले वाला यस बैंक नहीं है ये गिरावट थोड़ी दिखाएगा, लेकिन आपको फिर ये तेजी के संकेत दिखाने के लिए तैयार हो रहा है, ये मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, इतनी सी बात आपको समझना पड़ेगा। और आज की वीडियो फिर मैंने इसलिए बनाई है कि लोग तेजी में खुश हो रहे हैं और अब ये गिरावट कर रहा है, इसके अंदर उनके मूड चेंज हो गए, तो उनके मूड को चेंज नहीं करना है। जिन्होंने अभिलाषा इसकी दूर तक देखी है फिर देख के रखो जी, और झेलना थोड़ा सा हमें पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यस बैंक उजाले की ओर है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की बात इसलिए भी करेंगे जिस तरीके से इसने आज अपनी 13% की तेज़ी दिखा दी है, और धुआंधार तेज़ी दिखाकर ये अच्छे लेवल तक पहुंच गया है, तो कुछ लोग इससे खुश हो रहे हैं। देखो सर, इसके अंदर असली वाली तेज़ी मैं आपको बता दूं कब से आने वाली है, जनवरी के एंड और फरवरी में इसमें तेज़ी आएगी, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सरकार के अधिकारियों की तरफ से निकल कर आ गया है, वो न्यूज़ इसके अंदर पासा पलटने वाली है। वो कौन सी न्यूज़ है? सरकार ने कहा है कि जनवरी फरवरी में वोडाफोन आइडिया को इसके अंदर कुछ पैसा डालना चाहिए, फंड डालना चाहिए इनके प्रमोटर को, तब जाकर ये अस्तित्व में रहेगा, यानी कि सांसें ले पाएगा। यानी सरकार ही बोल रही, जो इसके अंदर पहले स्टेक लेने वाली थी उनके अधिकारी बोल रहे हैं कि जनवरी फरवरी तक के मोहलत है इनके अंदर के अस्तित्व में आने की। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और अब इसके लिए वोडाफोन आइडिया जी जान लगा देगा फंड लाने के लिए। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सितंबर 2021 में वोडाफोन आइडिया प्रमोटर की तरफ से कहा गया था कि वो 10,000 करोड़ रुपए इसके अंदर डालेंगे, सरकार जब इनको कुछ अपनी योजना का विस्तार कर रही थी तब ये बात कही गई थी कि वो 10,000 करोड़ रुपए इसके अंदर डालेंगे, आपको ये बात समझनी चाहिए। तो इस साल अधिकारियों ने ये बता दिया कि भाई आप 10,000 करोड़ रुपए डालने की बात भी तो पहले कर रहे थे। तो सरकार चाहती है कि वोडाफोन आइडिया जो है यूके के और यहाँ इंडिया के कुछ पैसा डालें, लेकिन जो यूके वाले वो पैसा डालने की अपनी समझ से बाहर है, भाई हम नहीं डालेंगे पैसा, इस तरीके की न्यूज़ भी पिछले दिनों आई है। जब सरकार कह रही है कि जनवरी से फरवरी तक इनके पास मोहलत है, और उससे पहले वोडाफोन आइडिया कुछ दिन पहले एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि ये SBI के पास गया है, उससे बातचीत कर रहा है, किसके लिए? 15,000 करोड़ और 16,000 करोड़ फंड जुटाने, लोन लेने के लिए ये SBI से बात भी कर रहा है। लेकिन SBI का मसला वही है ना कि सरकार जब स्टेक इसके अंदर लेगी, और सरकार कह रही है कि जब इसके अंदर प्रमोटर पैसा डालेंगे तब ये अच्छा होगा,
तो आज की तेजी एक्चुअल तेजी नहीं है, कोई आपको बार बार इसके अंदर बगला देगा भाई इसके अंदर कुछ और अच्छे हो जाएंगे, तो वो आएंगे जनवरी फरवरी से। पॉजिटिव संकेत मुझे इस न्यूज़ से इसलिए मिल रहा है क्योंकि इस इंडिया में तीन प्लेयर निजी रहने वाले और एक प्लेयर सरकारी रहने वाला है, जिस तरीके से अधिकारियों ने पहले भी कहा था, और एक न्यूज़ निकलकर बीच में भी आई थी जिसमें कहा था कि वो वोडाफोन आइडिया को बने रहने में देखना चाहते हैं, मतलब रहना देखना चाहते हैं वो, तो ये न्यूज़ निकलकर पहले भी आ गई है, वो भी पॉजिटिव है। सरकार के लिए फंड डालो, ये भी पॉजिटिव है। सरकार के लिए कि जनवरी से फरवरी तक आपके पास टाइम है, यानी कि एक डंडा हो गया वोडाफोन आइडिया के अंदर, होता है ना सर, मेरे घर वाले कह रहे ये काम करना पड़ेगा, और रोज़ रोज़ कहेंगे तो करना मुझे करना ही पड़ेगा वो काम, क्योंकि मुझे तो घर पे रहना है, नहीं तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे वो, होता है मैं काम नहीं करता जी अपने घर पे, कोई आटा पिसवाओ जी, सिलेंडर लाओ जी, मेरे घर वालों का रोटी नहीं बनेगी, खाना नहीं मिलेगा, रहना है तो ये काम करना पड़ेगा। अब मैं सोचता हूँ कि यार ये काम करें हल्का से बहुत आता है, लेकिन वो काम करना पड़ेगा, रहना है तो करना पड़ेगा, खाना है तो करना पड़ेगा, वो काम मुझे करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी योजना सरकार कह रही है भाई जनवरी से फरवरी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी न्यूज़ को छोड़ो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। सरकार स्टेक लेने वाली थी और उनके अधिकारी कह रहे हैं भाई जल्दी करो इस काम को, तो ये प्रेशर वाला काम हो गया है जो जनवरी से फरवरी में तेजी लाकर दिखाएगा। और एक बात आपको और बता दूं कि इस साल जिस तरीके से राकेश झुनझुनवाला जी कह के गए थे कि बैंकों में तेजी दिख रही है और उन्हें टेलीकॉम सेक्टर में तेजी नहीं दिख रही है, तो फिर उनकी बात तो सत्य हो जाएगी, इसलिए फिर मार्च से टेलीकॉम सेक्टर वाले शेयरों में तेजी आएगी। ये रूपरेखा अब फिर से बना लेनी चाहिए, एक साइकोलॉजी लग रही है इसके अंदर। दो सेक्टर के नाम लिए थे उन्होंने, एक तो सरकारी बैंकों के और दूसरा आपका टेलीकॉम सेक्टर का, टेलीकॉम सेक्टर में कहा था कि अच्छा नहीं है, निवेश करना बेकार है, और वही हो रहा है, वही देखने को आपको मिल रहा है टेलीकॉम सेक्टर के शेयरों में। तो वो अब उनकी रूपरेखा जब साल चेंज हो जाएगा तो फिर उसमें तेजी के बाहर देखने को मिलेंगे। और सरकार का ये कदम एक अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि कोई इसकी तरफ देख नहीं रहा है, वोडाफोन की तरफ ना प्रमोटर देख रहे हैं, ना बैंक देख रहा है, ना इसके अधिकारी देख रहे हैं, ना सरकार देख रही है। अब सरकारी तेज हो गई भाई, जनवरी से फरवरी का टाइम है तुम्हारे पास, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके ऊपर आज आपको तेजी जो देखने को मिली है, हो सकता है ये एक दो दिन चले, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि मुझे असली तेजी इसके अंदर जनवरी फरवरी से लग रही है। अब बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी की बात करने से पहले एक बात आपको और फिर से बताऊं, क्योंकि ये बात मैंने बहुत पहले आपको बताई थी, एक कहावत बताई थी, एक बगुला भगत होता है वो ना समुंदर किनारे, नदी किनारे, तालाब किनारे चुपचाप बैठ जाता है, बहुत देर तक इंतजार करता है, घंटों घंटों इंतजार करता है कि कब उसके पास मछली आए, वो एक पैर में खड़ा हो जाएगा, बैठा रहा खड़ा रहा ऊपर एक पैर उठा के, उसके पास मछली आती है, वो वेट करता है घंटों घंटों बैठ कर, और जैसे मछली निकलती है मछली को पकड़ लेता है तो उसका पेट भर जाता है। तो बगुले ने क्या दिया है यहाँ पर, बगुले ने दिया है यहाँ पर समय, और समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पुरानी फिल्मों में देखा चक्कर घूम रहा जी, समय का चक्कर महाभारत में घूमता था, तो ये समय है ना दुख को भी सही कर देता है, सुख को भी भगा देता है, जख्म को भी भर देता है, और शेरों में अगर आपने ये लगा दिया तो आपके शेरों में ये अच्छी रौनक लाकर आपको दिखा सकता है। तो ये समय आपको देना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा आपको बगुला भगत से, जो अपने शिकार के लिए, अपने भोजन के लिए काफ़ी दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जिस तरीके से सुजलोन एनर्जी 30 दिन में 24% तक भाग गया, इसके अंदर बड़े बड़े एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। देखो सर, सबसे पहले मैं अपनी एक बात बताऊं कि सुजलोन एनर्जी को मैंने आपको किस तरह से प्रस्तुत किया है, मैं आपको फिर दोबारा से बता रहा हूँ। अडानी ने इसको ऑर्डर दिया, बहुत मजबूत है, जिस तरीके से ये काम करता है, फिर उसकी देखरेख के लिए भी काम करता है, बहुत मजबूत है। समुंदर किनारे विंड टर्बाइन लेंगे, उसके अंदर सरकार बहुत अच्छी एक रणनीति बना रही है, पिलाई स्कीम लाने की योजना भी बना रही है, उसके अंदर भी इसकी हमें समय सीमा देखने को मिल रही है। 1900 से ज़्यादा इसके कस्टमर है और देश विदेश में ये काम करता है, जो ये काम करता है वो ज़रूरत इंडिया की और वर्ल्ड की है। तो यहाँ पर आपके लिए रूपरेखा मैंने इसके अंदर मजबूत बनाई थी, लेकिन इसके अंदर टारगेट नहीं बताया मैंने आपको, मैं टारगेट बताता ही नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, जिस तरीके से इसका राइट इशू आया, तो इसका मतलब कंपनी बंद नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके प्रमोटर और अधिक राइट इशू में भी पैसा डालने के लिए तैयार हुए हैं। और वहीं पर सन फार्मा के MD जिस तरीके से इसके अंदर बढ़ चढ़कर और कहा उन्होंने मैं भाग लूंगा, उसके बाद तुलसी तांती जी का जो देहांत हुआ है पहले, और फिर और ज़्यादा इसको राइट इशू ज़्यादा अच्छा मिला है, गुना मिला है, तो वहाँ पर मैंने इसकी रेखा बहुत मजबूत बना दी थी। मैंने कहा भाई अब ना तुलसी तांती जी का नाम बहुत ऊंचाई तक जाएगा, ये मैंने आपको बीते दिन वीडियो बनाई थी, और उस टाइम अगर आप मेरी बात मानते तो आज आपको बहुत अच्छा खासा सुजलोन एनर्जी में प्रॉफिट हो रहा होता।
लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि सुजलोन एनर्जी का प्रॉफिट जो हमें अनिवार्य हो जाता है और समय देने के लिए, तो वो हमें 16 से 20 रुपए तक के अपने हिसाब किताब देखने चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी अभिलाषा तो इसकी बहुत ऊपर तक की, लेकिन वो कुछ कम के साथ है। ये बड़े बड़े जो एनालिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उन्होंने कहा है कि भाई ये अब जोर से तेजी से भागने के लिए तैयार हो रहा है। जो इसका सपोर्ट है ना 11 रुपये है, तक से 10 से 11 रहेगा ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ इसने 11 को अपने भागने की तैयारी दिखाई तो फिर ये 14 से 16 रुपए जाएगा, और कहीं ने तो इसके टारगेट 20 रुपए भी बता दिए हैं। लेकिन सुजलोन एनर्जी के साथ में एक जो तेजी आती है ना, जिसके अंदर बुल रन शुरू हो जाता है, तो वो ज़्यादा दिन तक के इसके अंदर देखने को कभी नहीं मिला, असफल रहा है ये, फिर नीचे की तरफ आ जाता है। ये उसका इतिहास उठाकर देख लो सर, कभी भी इसके अंदर जिस तरीके से विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो तेजी के संकेत हमें आगे जाकर देखने को नहीं मिले, ये फिर उसकी तरफ नीचे आ जाता है। लेकिन इस बार कुछ ये कुछ अच्छा करने की उम्मीद से ही आगे बढ़ रहा है। एक दूसरे विशेषज्ञ ने कहा कि जितना भी इसका डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो गया, उसका अंत हो गया, अब कहीं ना कहीं ये एक तेजी संकेत आपको दिखाने वाला है, और इसके जो टारगेट सर बढ़िया ही बहुत कुछ अच्छे बता रहे हैं। अगर उस हिसाब से ये होता गया तो ये जल्दी आपको 14, 16, 15 पे मिलने के लिए सुजलोन एनर्जी तैयार हो रहा है। अब जब ये तेजी के संकेत दिखाएगा, ये फिर लोगों की नजरों में सर आएगा, लेकिन इसको वही संभाल पाएगा जिसकी अभिलाषा इसके जो काम है ना उसके द्वारा बनकर आ रही है। मैंने आपको हर बार कहा कि अडानी जिसको भी ऑर्डर देंगे वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं होगी, कंपनी छोटी मोटी होगी लेकिन उसका जो काम होगा ना उसे देख कर देंगे। तो ध्यान रखना सर, सुजलोन एनर्जी का भविष्य जल्दी ही सुधरने वाला है, लेकिन आपको पता है ना कि इसकी जो तेजी होती है फिर वो विफल हो जाती है, तो वहाँ पर हमें अपने द्वारा अपने प्रॉफिट के अनुसार ही काम करना चाहिए। देखो सर, ये शेयर मार्केट है, कोई शेयर 50 में पहुंच गया कभी भी वो फिर दोबारे से नीचे आ सकता है या उससे ऊपर भी जा सकता है, किसी को इसके बारे में नहीं पता। लेकिन एक वर्क होता है, उसके अंदर ही अपने प्रॉफिट को देखा जाता है। जिस व्यक्ति ने कुछ शेयरों को 10 से 20 रुपए बेच दिया, अब वही उसकी तमन्ना फिर 25 में लेने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि शेयर वहाँ पर तेजी दिखाता है और उस तेजी में ही हमें अच्छा लगना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप एक समझ के अनुसार कि हाँ भाई इसके अंदर कुछ ऐसी बात है कि ये आगे जाकर कुछ ना कुछ कमाल करेगा, तो वो ही पैसा आपका बहुत अच्छा होगा। और जब आपको किसी कंपनी के काम पर विश्वास ही नहीं है, सिर्फ आप उसकी तेजी के लिए ही शेयरों को लेते हो, तो बिल्कुल भी वो अच्छी बात होने वाली नहीं है। तो एक शेयर मैं आपको और बता रहा हूँ सर, BEL, इसको भी आपको देख लेना चाहिए। और NHPC जिस तरीके से अपनी अभिलाषा को और अच्छा करेगा, तो उस पर भी आपको नज़र रख लेनी चाहिए सर। ये दो शेयर हैं, और एक तीसरा अगर रेलवे का शेयर लेना चाहते हो तो RVNL को भी आपको अपनी रडार पर रख लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी मुझे आने वाले दिनों में और अच्छी, जिस तरीके से आधुनिकरण होता जाएगा, उसके लिए देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से भी हमें सर वर्क कर लेना चाहिए कि कुछ शेयर में जो तेज़ी आ रही है ना, तो फिर हमें दूसरे शेयरों को नहीं देखना, भूलना चाहिए। मैंने कहा ना कि अगर सरकारी बैंकों में तेजी आ रही है, तो एक बैंक जो है IDBI बैंक, उसकी नज़रों पे नज़रें टिका कर रखो कि उसके अंदर हमें अभिलाषा दिख कर रही है। कभी कभी होता है कुछ तेज़ी के चक्कर में हम दूसरे अच्छे शेयरों को भूल जाते हैं। तो हर तरीके से काम कीजिए, जो भी शेयर लेना अपने द्वारा लीजिए, जो भी शेयरों को बेचना अपने द्वारा बेचिए, जितना भी प्रॉफिट लेना है अपने द्वारा लीजिए। किसी के टारगेटों पे काम बिल्कुल भी नहीं कीजिए, क्योंकि ये मार्केट है, एक पल रुला कर हंसा देगी, फिर हंसा कर 10 बार रुला देगी। इस तरीके के काम इस मार्केट में होते हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी ब्लेम मत लगाइए, क्योंकि पैसा आपका, प्रॉफिट आपका और लॉस भी आपका ही हो जाता है। तो सुजलोन एनर्जी यहाँ से तेजी दिखाने के लिए जिस तरीके से इनके टारगेट निकल कर आने हैं, उस पर मुझे एक अभिलाषा अच्छी नज़र आ रही है, और फिर भी इसको हमने काम के प्रति देखा है। और वोडाफोन आइडिया में जिस तरीके से सरकार ने जनवरी फरवरी का एक अपना हिसाब किताब बना दिया, उनके अधिकारियों ने, भाई यहाँ कुछ करना पड़ेगा, इससे वोडाफोन आइडिया की नींद उड़ गई है, और कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया कहीं से धन जुटाने की कोशिश में लगी रहेगी। और जिस तरीके से यस बैंक यहाँ पर आकर आपको टहलता हुआ दिखाने लग गया, तो समझ लो इसका घर अब फिर 20 रुपये बन जाएगा, फिर इस 20 रुपये में ये टहलेगा। जब 12 में था तब भी हम रो रहे थे, जब 14 में आया तब भी हम रो रहे थे, जब 17 में आया तब भी हम रो रहे थे, और अब ये 24 दिखाकर हमें 20 में आएगा तब भी हम रोएंगे, तो हमारी तो आदत फिर रोने की बन जाएगी। तो रोना मार्केट में नहीं है, और अपने मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।